हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी शब्द भेद से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोज बनाए हुए हैं, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, आंसर दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर तो बिल्कुल सही। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों, पहला शब्द दोस्तों तत्सम होता है, दूसरा शब्द तद्भव, और तीसरा शब्द दोस्तों विदेशी या आगत शब्द होता है, और चौथा संकर शब्द। इस प्रकार से दोस्तों तत्सम, तद्भव, विदेशी, आगत और संकर, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन नंबर टू है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर तो बिल्कुल सही। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं इनको समझ लेते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, और दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, संकर। संकर शब्द का अर्थ है ए तत्सम शब्द, बी विदेशी शब्द, सी दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना शब्द, डी तद्भव शब्द। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर तो बिल्कुल सही। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे दोस्तों, तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी कौन सा है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे दो भाषाएं आ गई, एक अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना शब्द, इससे बना जो शब्द होगा रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेलगाड़ी शब्द है दोस्तों, ये बना शब्द संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर है, रसोई घर। रसोई घर शब्द है, बताना है दोस्तों कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है कि तत्सम है। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया ए नंबर तो बिल्कुल सही। दोस्तों, यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें रसोई घर है, रसोई अलग है, रसोई एक अलग शब्द है और घर जो है वो एक अलग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो रसोई एक पहला शब्द है और घर ये जो है दोस्तों दूसरा शब्द है। इस प्रकार से दोस्तों रसोई घर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, यौगिक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में तत्सम शब्द हैं। दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? दोस्तों, तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मयूर, रात्रि, ये सब क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द हैं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि परीक्षा, विभावरी, अग्नि, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द हैं और ये इंपॉर्टेंट शब्द भी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश, पत्र और सूर्य। दोस्तों, इसमें से हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए पृष्ठ, पृष्ठ जो है दोस्तों पेज को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कौन शब्द तद्भव है ये बताना है। दोस्तों, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। ए ऑप्शन है खजूर, बी है रुच, सी है पल्लव, डी है ब्रिज। तो दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, खजूर जो शब्द होगा वो तद्भव होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है, शहद। शहद शब्द है ए तत्सम, बी देशस, सी तद्भव, डी आगत। दोस्तों, आंसर दीजिए, शहद शब्द कौन सा शब्द है। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया डी नंबर तो बिल्कुल सही, शहद एक आगत शब्द है। ठीक है दोस्तों, जबकि तत्सम संस्कृत का शब्द कहलाता है, देशस जो देशी शब्द होते हैं जैसे लोटा, लुटिया। ठीक है दोस्तों, तद्भव वह शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर बने होते हैं, जैसे दोस्तों कर्पूर से विकृत होकर कपूर बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट है, अजायब घर है ए देसी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द, डी संकर शब्द। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, अजायब घर
एक संकर शब्द है। दोस्तों संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वे शब्द जो हैं संकर शब्द कहलाते हैं। दोस्तों अजायब अजायब जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, और जो घर है दोस्तों वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो अरबी और हिंदी भाषा से मिलकर अजायब घर बना है, इसलिए दोस्तों ये जो शब्द है वो संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिसलेक्सिया शब्द है ए देसी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द, डी संकर शब्द। दोस्तों डिसलेक्सिया इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है दोस्तों, तो ये विदेशी शब्द है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमल किस प्रकार का शब्द है, ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए, अगर आपने आंसर दिया है रूढ़ तो बिल्कुल सही, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कमल एक रूढ़ शब्द है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लीजिए, दिन दिन क्या है दोस्तों, एक शब्द है और ये किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बना है। जैसे दोस्तों घर घर भी जो दोस्तों अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया कि वह शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, घुड़सवार कौन सा शब्द है बताना है दोस्तों, ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी निरर्थक शब्द। अगर दोस्तों आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, घुड़सवार जो शब्द है वो एक यौगिक शब्द है। दोस्तों यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों इसमें देखिए घुड़, ठीक है ना, और सवार यानी घोड़े पर सवार, तो ये दोस्तों घुड़ अलग है और सवार अलग है। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों, इसमें दोस्तों घुड़ पहला शब्द है और सवार दूसरा शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनना है दोस्तों, ए दूध वाला, बी नैन, सी चक्रपाणि, डी पील। दोस्तों आंसर दीजिए, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर तो बिल्कुल सही, योग रूढ़ शब्द चक्रपाणि है। दोस्तों योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी तीसरे शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें चक्रपाणि आंसर है, तो चक्रपाणि का अर्थ है चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है दोस्तों, चक्र है पाणि, पाणि का मतलब होता है दोस्तों हाथ। ठीक, और दोस्तों नोट में ये याद रखिएगा कि सभी बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ होंगे। ठीक है दोस्तों, सभी बहुव्रीहि समास के जो इतने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से देख लीजिए, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश, क्या है सब योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, दशानन किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों इसमें देखिए दशानन, दस है आनन, दस है जिसके सिर अर्थात रावण, तो दोस्तों ये कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोटा शब्द है ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी तत्सम। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, लोटा शब्द जो है वो देशज शब्द है। दोस्तों देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित होते हैं। जैसे दोस्तों लोटा, टांग, गड़बड़, थैला, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, परीक्षा, विभावरी, वर्षा किस प्रकार के शब्द हैं, ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी तत्सम। दोस्तों परीक्षा, विभावरी, वर्षा ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द और रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ होगा, ए विनमय, बी कुशल, सी पवित्र, डी जलज। दोस्तों मैंने बताया था कि योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी सामान्य विशेष का अर्थ प्रकट ना करके किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर तो बिल्कुल सही, जलज, जलज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कमल के फूल से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जलज जो अर्थ किसका प्रकट कर रहा है, कमल के फूल का। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तर, घोटक, पूर्णिमा, पर्यंक और कृषक शब्द हैं, ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी तत्सम। दोस्तों आंसर दीजिए, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, ये सभी जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं, घोटक घोड़ा को बोलते हैं, पूर्णिमा
पूर्णिमा पूनम को, पर्यंक पलंग को और कृषक किसान को। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द सभी क्या है? तत्सम। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों, ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी तत्सम। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह देशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों देशज शब्द जो होते हैं वो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित होते हैं, जैसे कि दोस्तों ठेठ, गड़बड़, पेट, पैगड़ी, थैला, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रेलगाड़ी शब्द है, ए देशज, बी तद्भव, सी शंकर, डी तत्सम। दोस्तों आंसर दीजिए, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर तो बिल्कुल सही, रेलगाड़ी शब्द जो है वो शंकर शब्द है। दोस्तों रेल, रेल जो है वो इंग्लिश शब्द से बना है और गाड़ी वो दोस्तों हिंदी शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों शंकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण शब्द है, ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महत्वपूर्ण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला दोस्तों महत्व और दूसरा पूर्ण। दोस्तों महत्व एक पहला शब्द है और पूर्ण जो है वो दूसरा शब्द है। और दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक यौगिक शब्द होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर लिखकर भेजें और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।